कुंडली देखने का तरीका, जाने कैसे देखते हैं जन्मपत्री। जन्म कुंडली के माध्यम से व्यक्ति के भविष्य, भूत और वर्तमान को जाना जा सकता है। इसलिए अपने बारे में जानने के लिए लोग अपनी कुंडली को लेकर किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं। लेकिन आज हम आपको कुंडली देखने का आसान तरीका बता रहे हैं, जिसके माध्यम से आप स्वयं की कुंडली को देखकर अपने आने वाले कल को जान सकते हैं। कुंडली देखने का आसान तरीका कुछ इस प्रकार है। आइए पहले समझते हैं कि जन्म कुंडली क्या है। जन्म कुंडली या जन्म पत्रिका में आपके जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति या नक्शा आकाश में होता है, उसका सटीक चित्रण होता है। आपकी जन्म कुंडली में 12 खाने या घर होते हैं, जिसमें आपके नवग्रह स्थित होते हैं, और हर घर में हर ग्रह का अपना अलग अलग प्रभाव होता है। इसको जन्म पत्रिका देखकर और प्रसिद्ध ज्योतिषियों के द्वारा गणना के द्वारा ही सही तरीके से बताया जा सकता है। ऐसे में जिस समय जातक का जन्म हुआ है, उस समय ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति को देख इसकी गणना की जाती है। ऐसे में जन्म कुंडली के 12 घर, जिसे भाव कहा जाता है, इसके हर भाव में एक राशि को दर्शाता है। उसके आधार पर हर घर का स्वामी बनता है और उस घर में जो ग्रह आपकी कुंडली में है, उसके प्रभाव की गणना की जाती है। वहीं ग्रहों को बाल, यौवन और वृद्ध अवस्था में उनके डिग्री के वैल्यू से भी दर्शाया गया है। इसके साथ ही कौन से ग्रह आपकी कुंडली में अस्त या मृत पड़े हैं, उसके अनुसार भी उसके प्रभावों की गणना की जाती है। कुंडली में आपके नवग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु अपने अपने घरों में स्थित होते हैं और अपने घर यानी भाव के हिसाब से आपको परिणाम देते हैं। इनकी सबलता या दुर्बलता का भी आपके जीवन पर उतना ही असर देखने को मिलता है। यह गणनाओं का वैज्ञानिक खेल है। कुंडली में 12 खाने होते हैं और इन खानों में राशियां और ग्रह बैठे होते हैं, जिनके माध्यम से व्यक्ति के भाग्य की गणना की जाती है। कुंडली में जो नंबर होते हैं, वे राशियों को दर्शाते हैं। कुंडली में भाव क्या है और वह क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। कुंडली में आपने देखा होगा कि उसमें खाने बने होते हैं। इन्हीं खानों को भाव या घर कहते हैं। इनकी संख्या 12 है। ये 12 खाने या भाव व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की व्याख्या करते हैं। यहाँ मोटे तौर पर जानिए कि पहला भाव व्यक्ति के चरित्र, स्वभाव, रंग रूप के बारे में बताता है। इसे लग्न भाव की कहते हैं। दूसरा भाव धन, वाणी और प्रारंभिक शिक्षा का होता है। तीसरा छोटे भाई बहन, साहस, पराक्रम का होता है। चौथा भाव सुख भाव कहलाता है। इस भाव से माता, वाहन, प्रॉपर्टी आदि चीजों को देखा जाता है। पांचवा भाव उच्च शिक्षा, संतान, प्रेम, रोमांस की विवेचना करता है। छठे भाव से शत्रु, रोग, कंपटीशन आदि को देखा जाता है। सप्तम भाव विवाह भाव होता है। इस भाव से जीवन साथी और जीवन में होने वाली किसी भी तरह की पार्टनरशिप को देखा जाता है। आठवां घर जीवन में आने वाली अचानक घटनाओं का बोध कराता है। नौवां भाव धर्म, गुरु और भाग्य, लंबी दूरी की यात्रा का होता है। दसवां घर कर्म भाव कहलाता है। इस भाव से व्यक्ति के प्रोफेशन और उसके पिता को देखा जाता है। ग्यारहवां भाव लाभ का घर होता है। इससे आमदनी और जीवन में प्राप्त होने वाली सभी प्रकार की उपलब्धियों, बड़े भाई बहन, मित्र आदि को देखा जाता है। बारहवां घर हानि का भाव होता है। इससे जीवन में होने वाली सभी तरह की हानियों, खर्च, विदेश यात्रा आदि को देखा जाता है। जन्म कुंडली में राशियां। भाव में राशियां बैठी होती हैं। एक भाव में एक राशि होती है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। इन प्रत्येक राशियों का अपना स्वभाव, चरित्र होता है। पहले खाने में व्यक्ति जो राशि होती है, उसे लग्न राशि कहते हैं। जबकि जिस राशि में चंद्रमा बैठा हो, उसे चंद्र और जिसमें सूर्य बैठा हो, उसे सूर्य राशि कहते हैं। जन्म पत्रिका में ग्रह। आपकी कुंडली के भाव में ग्रह बैठे होते हैं। जन्म पत्री के किसी भाव में एक या दो अथवा इससे अधिक ग्रह बैठे हो सकते हैं। ग्रह के योग को युति कहते हैं। इन ग्रहों का आपस में संबंध है। ये संबंध शत्रुता, मित्रता और समभाव का होता है। ज्योतिष में इन ग्रहों की संख्या 9 है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इन ग्रहों का अपना अपना स्वभाव होता है। इनमें चंद्र, बृहस्पति और शुक्र सौम्य ग्रह हैं।
वहीं सूर्य, मंगल, शनि और राहु केतु क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। इसके साथ ही राशियों के साथ भी इनका संबंध होता है। राहु केतु को छोड़कर सभी ग्रह एक या दो राशि के स्वामी होते हैं। इन सभी ग्रहों की कोई उच्च राशि होती है तो कोई नीच राशि होती है। कुंडली में ग्रहों की दृष्टि। कुंडली देखने के लिए हमें ग्रहों की दृष्टि का मालूम होना चाहिए। ये दृष्टि शुभ और अशुभ दोनों प्रकार की हो सकती है। सभी ग्रह जिस भाव में बैठे हैं उससे सातवें घर को देखते हैं। हालांकि कुछ ग्रह सातवें के अलावा भी अन्य भावों में दृष्टि रखते हैं, जैसे मंगल चौथे और आठवें घर को भी देखता है। बृहस्पति अपने स्थान से पंचम और नवम भाव को भी देखता है, जबकि शनि अपने स्थान से तीसरे और दसवें घर भी दृष्टि रखता है। वहीं राहु केतु सप्तम भाव के अलावा पंचम और नवम भाव को देखते हैं। नीच राशि में ग्रह शुभ फल नहीं देते हैं। उच्च राशि में कोई भी ग्रह शुभ फलकारी होता है। शत्रु ग्रहों के साथ युति से नकारात्मक फल मिलता है। ग्रहों की दृष्टि का फल राशि और उसके संबंधानुसार पड़ता है। मित्र ग्रहों की युति शुभ फलकारी होती है। वैसे तो भारतीय ज्योतिष में हजारों योग बताए गए हैं, लेकिन यहाँ आप जानेंगे कि किस आसान तरीके से आप कुंडली देखते ही ये समझ जाएंगे कि व्यक्ति की जीवन में सफलता पाने की क्या स्थिति रहेगी। जीवन में कितनी ऊंचाइयाँ आप हासिल करेंगे, इस बात का पता लगाने के लिए कुंडली में चार चीजें देखनी पड़ती हैं। लग्न की शक्ति, चंद्र की शक्ति, सूर्य की शक्ति, दशम भाव की शक्ति। अगर लग्नेश चंद्र राशि का स्वामी, सूर्य राशि का स्वामी और दसवें भाव का स्वामी शुभ हो तो कुंडली में सफलता का योग बनता है। साथ ही हमें लग्न यानी पहला भाव, चंद्र राशि वाला भाव, सूर्य राशि वाला भाव और दशम राशि वाला भाव भी देखना पड़ेगा। जब किसी भाव को देखना हो तो चार बातों का विशेष ध्यान रखें। इन भाव में शुभ ग्रह होने से व्यक्ति की स्थिति मजबूत होती है। इन भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि होना भी शुभ माना जाता है। भाव पर भावेश की दृष्टि भी शुभ होती है। इन भाव के दोनों तरफ शुभ ग्रह होने से भी भाव का बल बढ़ता है। इसके विपरीत इन भावों में अशुभ ग्रह होने पर भाव कमजोर होता है। इन चार नियम के आधार पर लग्न, चंद्र, सूर्य और दशम की स्थिति को देखकर किसी की भी कुंडली से उसकी जीवन स्थिति के बारे में पता लगा सकते हैं। ग्रहों के शुभ अशुभ फल जानने के नियम। जो ग्रह अपनी उच्च राशि और अपने या अपने मित्र ग्रह की राशि में हो तो वह शुभ फल देगा, लेकिन यदि ग्रह नीच राशि में या फिर अपने शत्रु की राशि में हो तो अशुभ फल देगा। कुंडली में कोई ग्रह यदि अपनी राशि पर दृष्टि डालता है तो वह देखे जाने वाले भाव के लिए शुभ फल देता है। जो ग्रह अपने मित्र ग्रहों के साथ या फिर मध्य में हो वह शुभ फलदायक होता है। यहाँ मध्य से मतलब अगली और पिछली राशि में ग्रह के होने से है। जो ग्रह अपनी नीच राशि से उच्च राशि की तरफ भ्रमण करे और अपनी वक्री अवस्था में न हो। लग्नेश का मित्र होना। त्रिकोण के स्वामी भी सदैव शुभ फल देते हैं। क्रूर भावों 3, 6, 11 के स्वामी अशुभ फल देते हैं। उपाच्य भावों 1, 3, 6, 11, 11 में ग्रह के कारकत्व में वृद्धि होती है। दुष्ट स्थानों 6, 8, 12 में ग्रहों के होने से अशुभ फल प्राप्त होता है। शुभ ग्रह केंद्र 1, 4, 7, 11 भावों में शुभ फल देते हैं, वहीं पाप ग्रह केंद्र में अशुभ फल देते हैं। चंद्र की राशि, उसकी अगली और पिछली राशि में जितने अधिक ग्रह होते हैं उतना ही चंद्र शुभ होता है। बुध, राहु और केतु जिस भी ग्रह के साथ होते हैं उसी के अनुसार ही फल देते हैं। सूर्य के निकट वाले ग्रह अस्त हो जाते हैं जो अशुभ फल देते हैं।